तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के, आज के नहीं कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो क्या कुछ चीज़ें हमें इसके अंदर दिखा दे सकती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कल के स्मैकडाउन के लिए WWE ने ऑफिशियल किया है कि गाइस जो अपने जो मिस होंगे वो यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं मरीज का बर्थडे। तो मरीज का यहाँ पर से जन्मदिन होने वाला है मंडे नाइट रॉ में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें होती है और क्या इस सेलिब्रेशन को भंग करने के लिए आते अपने मिस और बेथ फीनिक्स। तो देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली बेथ फीनिक्स ज़रूर आएगी क्योंकि पिछले हफ्ते की जो ईट थी उसका बदला भी लेना है। तो यहाँ पर से ये हमें डेफिनेटली चीज़ें दिखाई दे सकती है और साथ में शो के ऊपर ऐसे होने वाला है टीम चैंपियनशिप्स के लिए आमना सामना जहाँ पर अपने मंडे नाइट रॉ के चैंपियंस यानी कि गाइस अपने जो न्यू रॉकेट टैग टीम चैंपियंस अल्फा एकेडमी है वो अपने टैलेंट को ऑन द लाइन लगाएंगे अपने आरके ब्रो के खिलाफ। और यह वजह से फिर एक बार होगा इन दोनों के बीच का इस रॉकेट लीग टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका। तो देखते क्या जो आरके ब्रो है वो अपने टाइटल को रिकैप्चर कर पाते हैं भागने में। और साथ में शो के ऊपर हमें पैकेजिंग और ट्यूबॉक के बीच भी कुछ हमें चीज़ें दिखाई दे सकती है। तो देखते किस तरीके से इनकी आगे स्टोर लाइन कंटिन्यू होती है, लेकिन ये डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ रोल दिखाई देने वाला है। और सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो यहाँ पर से होगी कि ब्रॉक लेसनर आएंगे फिर एक बार वापस और लेसनर और लैशली का फिर एक बार आमना सामना होगा। प्रोमो वॉर पर डेफिनेटली होगी और साथ में होगा कि जो इन दोनों के बीच वेट होने वाला है, मतलब इन दोनों को गए जो मतलब इनके वन है उनको कंपेयर करने वाला है। तो काफ़ी कमाल की चीज़ें मंडे नाइट रॉ में हो सकती है। तो देखते हैं क्या कुछ चीज़ें होती है और इतनी अभी फिलहाल कुछ चीज़ें एडवर्टाइज है तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है। लेकिन आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रही। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।